सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए भी बड़ी खास होने वाली है क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हुआ है, तो उसमें काफी फेरबदल किया है सरकार ने। क्या फेरबदल है, ये फेरबदल क्यों किया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि फेरबदल हुआ क्या, क्यों है, किस रीजन से हुआ है। तो दोस्तों, ये फेरबदल हुआ है वहाँ की लोकल जनता ने, वहाँ के राजनीतिक पार्टी ने जब दबाव डाला है, प्रेशर बनाया है, तो ये वहाँ के लिए वो मतलब संशोधन हो चुका है। तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति का जो एक ड्राफ्ट है, तो सरकार ने कहा कि वो ड्राफ्ट है, सिर्फ अभी ड्राफ्ट है, वो भी लागू नहीं हुआ। वो लागू होने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, यहाँ तक कहा गया है कि उसको कोर्ट में भी फाइट नहीं किया जा सकता, मतलब वो कोर्ट में भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाता। तो जो भी कुछ करना है आपको वो अभी कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो टीचर्स के लिए भी है बहुत सारे रूल रेगुलेशन डाले हैं कि भाई ये भी टेस्ट पास करना पड़ेगा, वो भी टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, टेस्ट पास करना कोई गलत बात नहीं है, टेस्ट पास करके जिस फील्ड में, किसी भी फील्ड में लगेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। या कोई भी टेस्ट हो, वो टेस्ट सबके लिए सेम होता है। लेकिन दोस्तों, विरोध कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे इंटरव्यू और डेमो क्लास है। तो इंटरव्यू भी बहुत जरूरी है, डेमो क्लास भी जरूरी है, लेकिन दोस्तों जरूरी क्या नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू साक्षात्कार में क्या होता है, वहाँ पे खुलेआम पैसे चलते हैं, धांधली होती है, और धांधली होने के 95% या 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसका विरोध बहुत जोरों से हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी 30 जून का टाइम जो दिया हुआ है वो सिर्फ आपको इसीलिए दिया हुआ है, सरकार ने खुद कहा है कि इस नीति में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी नजर आ रही है, तो वो आप उसके लिए सुझाव दें। तो सुझाव जितने पावरफुल होंगे, जितने लोगों के होंगे, उसमें राजनीतिक पार्टी भी शामिल जब हो जाती है तो वो पास हो जाता है। तो इंटरव्यू या डेमो क्लास को दूर किया जा सकता है इससे। बाकी जो टेस्ट है वो सबके लिए सेम रहेगा, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा ही, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, किसी भी जॉब के लिए टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो इंटरव्यू है वो पार्ट वहाँ पे सही नहीं लग रहा है, हालांकि उस पर विरोध भी चल रहा है ट्विटर पे। अभी सरकार ने भी कहा कि आप सुझाव जरूर दें, तो सुझाव माने जाएंगे। तो यही हुआ है, जो बदलाव किया है वो तमिलनाडु में त्रिभाषा सूत्र, आप जानते होंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसमें वहाँ पे कहा गया तमिलनाडु में कि हिंदी और अंग्रेजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसके अलावा तीसरी भाषा, तीन भाषा आपको पढ़नी है। तो वहाँ पे जो विरोध चल रहा था वो हिंदी भाषा को लेकर था। तमिलनाडु, दक्षिण भारत जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु जैसे इलाकों में विरोध चल रहा था कि हिंदी हटाई जाए। तो ये फिलहाल हिंदी को हटा दिया गया है, ये इसलिए हटाया क्योंकि वहाँ पे जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी आ गए। यहाँ पे देखो, मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ सारे इकट्ठा होकर के हिंदी का उन्होंने विरोध किया। तो जो ये त्रिभाषा सूत्र से हिंदी को हटा दिया, अब तमिलनाडु या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्या होगा कि आप अपनी मनपसंद के लैंग्वेज को आप चूज करके पढ़ सकते हैं। तो बहुत गुड न्यूज है आपके लिए कि जो आप जिस चीज को हम नहीं पढ़ना चाहते, अगर वो आपको थोप दी जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो गलत होता है, अच्छा नहीं रहता है, तो अच्छी बात है। यहाँ तक कि जो संगीतकार AR रहमान है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है और धन्यवाद किया है सरकार का कि आपने जो है बहुत अच्छा किया है, वहाँ पे हिंदी को हटाया। हिंदी को हटाने से मतलब कि उनके जो मनपसंद, जो उनको लगता है कि हमें ये पढ़ना चाहिए, ये त्रिभाषा में रखना चाहिए, वो रखा गया। AR रहमान ने भी इस बात को सही करार दिया है। तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कहाँ पे है। देखिए, जागरण ब्यूरो में, ब्यूरो के जो न्यूज़पेपर में, वहाँ पे ये न्यूज मतलब खबर छपी हुई है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूँ, सुझाव के लिए टाइम है, सुझाव आप दें, जितने ज़्यादा सुझाव होंगे आप किसी भी चीज़ में बदलाव ला सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें कि टीचर्स से रिलेटेड बवाल मचा हुआ है, तो बवाल वो भी संशोधन हो सकता है उसमें भी। बस आप सुझाव जरूर दें और सुझाव के साथ साथ अपना विरोध भी प्रदर्शन कर सकते हैं। देखो, विरोध अगर सही रास्ते पे चलता है तो वो कामयाब होता है, लेकिन गलत चीज़ के लिए विरोध, मैं कभी नहीं कहूँगा कि गलत चीज़ के लिए विरोध करो, लेकिन सही चीज़ के लिए चुप रहना भी गलत ही रहता है, अपराध ही है। तो अपराध को जरूर रोके। धन्यवाद, मिलते हैं नए अगले टॉपिक के साथ।